हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट के बारे में। वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ताल के बटन पर क्लिक कर लें, जैसे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हुआ है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी द्वारा। लेटेस्ट नोटिफिकेशन वेबसाइट के माध्यम से निकाला गया है। ये देखिएगा कि यहाँ पर दिया जा रहा है निदेशक विभागाध्यक्ष प्रभारी विश्वविद्यालय परिषद स्थित संस्थान छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय परिषद कानपुर। विश्वविद्यालय परिषद स्थित संस्थानों के प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षाओं के संदर्भ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैक पेपर के संदर्भ में ये नोटिस निकला हुआ है। यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि कृपया आदेश अनुसार आपको घर अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय परिषद स्थित संस्थानों की प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर की परीक्षाएँ संलग्न परीक्षा कार्यक्रमानुसार संपन्न कराई जाएंगी। उपर्युक्त परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर मास सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के अन्य दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य है। अतः अपने स्तर से सभी संबंधित छात्रों को उक्त से अवगत कराने का कष्ट करें। यहाँ पर ये देखिए सारा कुछ इन्फॉर्मेशन स्कीम आपकी दे रखे हैं जो कि बैक पेपर के बारे में यहाँ पर अपडेट है। यहाँ पर अगर स्टार्टिंग की बात करें तो यहाँ पर 21 मार्च 2022 से यहाँ पर स्टार्ट यहाँ पर हो रहा है ये बैक पेपर एग्जामिनेशन। ये पर सारे सब्जेक्ट लेते हैं, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, उसके बाद ये देखिएगा एमएससी लाइफ साइंसेस, पूरा कुछ इन्फॉर्मेशन 7 पेज होगा पीडीएफ। छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर ने नोटिस के माध्यम से पीडीएफ निकाला है अपनी वेबसाइट पर। आप आसानी से अगर इसको आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो तुरंत आप कानपुर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइएगा। नोटिस में आपको सबसे ऊपर ये लिंक आपको मिल जाएगा, बैक पेपर के बारे में निकला है। लेकिन फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बैक पेपर वो बैक पेपर नहीं है जिसका बहुत ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को इंतजार था। कह सकते हैं कि 95% से ज़्यादा स्टूडेंट को जिन बैक पेपर का इंतजार था वो बैक पेपर के बारे में नोटिस नहीं निकला है। ये नोटिस उसके लिए स्पष्ट बता देते हैं कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंतर्गत जो संस्थान है उसकी जो सेमेस्टर परीक्षाएँ हैं उसमें जो प्रथम सेमेस्टर है उसकी बैक पेपर के संदर्भ में है। यहाँ पर जो बीए, बीएससी, एमए, एमएससी होता है नॉर्मल, उनके बैक पेपर के बारे में अभी तक कानपुर यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस नहीं निकाला है, ना ही उसकी फॉर्म निकाले हैं और कब एग्ज़ाम होगा उसके बारे में अभी तक कोई भी लेटेस्ट अपडेट जारी नहीं किया है। लेकिन बिल्कुल कन्फर्म रहिएगा, जैसे ही अपडेट जारी किया जाएगा आपके पास सबसे पहले वीडियो आ जाएगा। लेकिन जो भी स्टूडेंट विश्वविद्यालय परिषद स्थित संस्थानों में पढ़ते हैं, प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर के बारे में उन्होंने कोई अपडेट प्राप्त अगर उन्हें नहीं हुआ है या फिर उन्होंने फॉर्म डाला था और ये नोटिस का इंतजार कर रहे थे कि आखिर में कब से एग्ज़ाम होगा बैक पेपर, तो उनके लिए ये वीडियो है, आसानी से आप देख सकते हैं। पूरा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, ये देखिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है आसानी से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब से कब तक हैं, कौन कौन से दिन कौन कौन से पेपर हैं, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। टोटल 7 पेजेस की ये पीडीएफ निकाली गई है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आपके क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल कन्फर्म रहें कि आपका अपना चैनल ये बैक पेपर के बारे में लगातार यूनिवर्सिटी को विजिट कर रहा है कि आखिर में कब से, विभिन्न एप्लीकेशन के माध्यम से पूछ रहा है कि आखिर में कब से बैक पेपर की परीक्षाएं होंगी, लेकिन अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब यूनिवर्सिटी प्रशासन से नहीं मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।